नंद बाबा की दाम वसुदाम की कृष्णा वसुदेव वसुदेव देवकी देवी की अनंत मणि गौर भक्त वृंद जय समाग गौर भक्त वृंद जय गौर वंदे अहम श्री गुरु श्री दूत पाद का मलम श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथ जितम दास सजीवम साद्वैतम साहूतम परिजन सहितम कृष्णा चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहजन ललिता श्री विशाखनिकांत ओम ज्ञान दुर्गंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयं विष्णु पादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिनि नामयं विष्णु पादाय आचार्य सिंह गर्भिणि श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिनि नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिनि नम गौरवेश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायति नमः नम भक्तिमुन्नताय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपाय गौरवाभिष्टास्वरभ्य वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्तिव्रतदेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Yeah.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivadhi Gaur Bhakta Vrananda
राधा रानी की स्तुति ये सब गाया करते थे और एक भजन है जिसको मांगल गोपी कहते हैं। कवि जयदेव ने ये गीत गोविंद ग्रंथ में ये मंगल गीत को उन्होंने वर्णना किया है कि जो मंगल गीत है गुरुदेव ये मंगल गीत गाया करते थे। बोले क्यों? कभी मंगल गीत में श्री राधा रानी का नाम है, इसलिए आप वृंदावन में जाओ। वृंदावन तो कृष्ण का धाम है लेकिन वहां देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, वहां क्या बोलते? वहां सब राधा रानी का नाम लेते। बोले क्यों? गुरुदेव कहते थे कृष्ण अपना नाम से खुश नहीं होते। अगर कोई कृष्ण 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 बोले ना वो कृष्ण नहीं खुश होते, वो कौन खुश होती? बोले राधा रानी खुश होती। इसलिए वृंदावन में वो सबके सब कोई कृष्ण नहीं बोलते, सबके सब श्री राधे राधे बोलते थे। इसलिए कि जो मंगल गीत है ये कवि जयदेव का, इसमें श्री राधा जी के नाम गुप्त रूप में उसमें है, गुप्त रूप में। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में एक देवदासी होती है, देवदासी उसे कहते हैं जो स्त्रियां जिंदगी भर शादी नहीं करती, ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए रहते और कृष्ण को ही अपना जीवन का प्रियतम कृष्ण को ही माने। कृष्ण ही हमारे प्रियतम है और आजीवन ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए और एकनिष्ठ होकर के कृष्ण भक्ति करे उनको कहते हैं देवदासी। जब तक ये देवदासी जगन्नाथ जी की भजन ये नहीं बोलेंगे ना, जगन्नाथ जी सोते नहीं, जगन्नाथ जी उड़ते नहीं। जब जगन्नाथ जी सोते हैं तभी ये भजन, इनकी भजन सुन सुन करके सोते हैं। बोले कौन सा भजन? बोले ये मंगल गीत, क्योंकि ये मंगल गीत में श्री राधा जी का नाम है। इसलिए पहले मैंने आपको सुनाया था कोई एक देवदासी थी और वो देवदासी बैगन तोड़ते समय ये भजन को गा रही थी और जहाँ श्री ये भजन हो गीत गोविंद हो फिर तो जगन्नाथ जी रह नहीं सकते। अभी पुजारी उनको नया वस्त्र धारण करवाया, जगन्नाथ जी को शयन करवाए। जब ये देवदासी ये मंगल गीत गा रही थी जगन्नाथ जी मंत्री छोड़ कर भाग गए और ये देवदासी बैगन तोड़ रही है और ये भजन गा रही है
और जगन्नाथ जी को इतने प्यारा ये भजन लगता है, जगन्नाथ जी उसको पीछे 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 जगन्नाथ जी चल रहे थे और ये भजन को ये गा रहे थे। अभी बैगन पेड़ में कांटा होती है, अभी जगन्नाथ जी का जो दोपटा जो वस्त्र पीतांबर सब कैसे फट गया और भगवान का शरीर में सब कांटा दाग भी आ गया। जब ये भजन समाप्त हो गई, जगन्नाथ जी चुपचाप आकर घर में सो गए। अभी सवेरे जब पुजारी दरवाजा खोले, देखा सारे जगन्नाथ जी की दोपटा और उनको पीतांबर सब बटे हुए और जगन्नाथ जी के शरीर में सब कांटा का दाग है। पुजारी तो चक्कर में पड़ गया, बोले मैंने तो ठाकुर को नया वस्त्र धारण कराया था, ये सब फट गए कैसे और ठाकुर जी के शरीर में ये कांटा की दाग कैसे आ गया। वहाँ के पुजारी को पता जगन्नाथ जी बड़ी प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीला करते हैं, जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बड़ी दयालु जगन्नाथ जी, उनकी सच हृदय से एक बार केवल उनको पुकारो तो आवाज देते हैं जगन्नाथ जी, ये आवाज देते हैं जगन्नाथ जी, बड़े भक्त वत्सल जगन्नाथ जी। उनको पता चला जगन्नाथ जी को जरूर कोई नया लीला दिए, राजा को बुलाया। पूरी के जो राजा है वो बड़ा भगत है, जगन्नाथ जी इनको साथ में बात करते थे, ऐसे राजा वहाँ के इतने कृष्ण भक्त होते थे। जगन्नाथ जी अपना दुख सुख सबके सब इनको कहा करते थे। पुजारी राजा को खबर दिया, ऐसे ऐसे राजा आए, सीधा ठाकुर जी चरण में लेट गए। जब लेट गए ठाकुर जी को स्वप्न दिया, बोले महाराज कोई चिंता मत करो, मेरी कोई देवदासी थी वो कवि जयदेव का ये मंगल गीत गा रहा था, ये मंगल गीत में श्री राधा रानी की गुप्त रूप में इनकी महिमा गाई गई है। जो पहला श्लोक है, श्री तमला कुच मंडल ध्रुत कुंडल हे कलित ललित बतमाल जय जय देव, इसका मतलब है जगन्नाथ जी व कृष्ण जो जो वस्तु धारण करते हैं, जो जो वस्तु, जगन्नाथ जी का वस्त्र का रंग कैसे, कृष्ण का कोई वस्त्र का रंग कैसे है, पीला, बोले पीला क्यों पहनते और क्या कोई कपड़ा मिला है नहीं तो पीले क्यों पहनते, चूंकि राधा रानी का जो अंग है वो पीला रंग, तब तक कांचना गौरानी राधा रानी का अंग का शरीर पीला, इसलिए वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। और राधा रानी का वस्त्र का रंग कैसे, नीला, कहते ना नील वसना गौरी रूपे गुने धन, और नील वस्त्र क्यों राधा रानी धारण करते हैं, क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है। इसलिए जगन्नाथ जी जो कुंडल धारण करते हैं कानन, वो क्या चीज, बोले कुंडल नहीं, वो कुंडल क्या है, बोले जिसमें से राधा रानी की ही नाम का राधा रानी। जो मयूर पंख धारण करते हैं, ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, उसमें राधा रानी का नाम लिखा है, कभी राधा रानी मयूर रूप में श्री, कभी कृष्ण मयूर रूप राधा रानी का मयूर जन्म, इसलिए राधा रानी की स्मृति के लिए कृष्ण का शरीर का जितने श्रृंगार है वो सब के सब राधा रानी की प्रेम को लिखा देता है, और राधा रानी की शरीर में जितने श्रृंगार है वो सब के सब कृष्ण प्रेम को लिखा देते हैं। जो जो धारण करती है केवल कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण सुख के लिए वो सब कुछ धारण करती है। इसलिए बोले श्रित कमला कुच मंडल ध्रुत कुंडल हे कलित ललित वनमाल जय जय देव। जगन्नाथ जी कृष्ण जो गले में माला धारण करते हैं वो माला कलित ललित वनमाल, वो माला को कौन बनाया, बोले राधा रानी अपने हाथों से ये माला बनाती है, इसलिए कृष्ण वो माला को कृष्ण धारण करते हैं। इसलिए वो भजन में श्री जगन्नाथ जी की कृष्ण की राधा रानी की महिमा है। इसलिए जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर पहुंच गए बैगन बगीचा में, राजा श्री कृष्ण कहते हैं जगन्नाथ जी, राजा कोई चिंता मत करो, मेरी कोई देवदासी ये भजन गा रही थी और उसमें हमारी राधा रानी की महिमा है, इसलिए सुनने के लिए मैं पहुंच गया था, कोई चिंता मत करो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा मैं प्रसन्न मैं खुश हूँ, कोई चिंता मत करो। तभी से पूरी का राजा वहाँ पर प्रचार किया, खबरदार ये भजन को जहाँ तहाँ मत गाया जाए, वहीं पर ही ये भजन गाया जाए जहाँ पर श्री जगन्नाथ की तस्वीर हो, कृष्ण हो, वहीं पर ही गाए और अन्यत्र ये भजन को नहीं गाया जाए, क्योंकि नहीं तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है, भगवान अपना मंदिर ही छोड़ गए तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसलिए इसका दो लाइट थे, गुरुदेव मथुरा में रहते थे,
इसका नाम मंगल गीति है। मंगल गीति का मतलब क्या है? गुरुदेव कहते थे कोई भी घर कोई मंगल काम करो, अगर ये भजन को गा करके कोई भी मंगल काम करोगे ना, जरूर तुम्हारी मंगल होगा ही। इसलिए मंगल भवन अमंगल हर, इसलिए गुरुदेव कोई भी अनुष्ठान में सबसे पहले गुरुदेव ये भजन को गवाया करते थे, उसको बाद में कोई कथा करते थे। इसलिए हम भी ये भजन का दो तीन लाइन इसको गा लेते हैं, क्योंकि ये भजन से कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं, भगवान कृष्ण। आज कृष्ण का जन्मोत्सव है ना, कृष्ण का जन्मोत्सव, और ये जो भजन कृष्ण को सबसे प्यारा है, कृष्ण को सबसे प्यारा ये भजन है। इसलिए आप मेरे पीछे पीछे ये भजन को बोलना, ठीक है? बोले जय जय दे बाहरी, जय जय दे बाहरी, जय जय दे बाहरी, जय जय दे बाहरी, आ जय जय दे बाहरी, जय जगन्नाथ बाहरी, जय जय दे बाहरी, जय I'm
हरि भजन से कृष्ण खुश होते हैं। बोले गुरुदेव कहते थे कृष्ण सबसे ज्यादा किसमें खुश होते हैं? बोले राधा जी का नाम है, राधा जी के नाम से। इसलिए गुरुदेव जो मुनि द्रवे लोक शोक हानि गुरुदेव मथुरा में राधा रानी की जो स्तुति है इसको गया करते, इसका भी हम दो तीन श्लोक सुन लेते हैं। ठीक है, भले मोनिंद वृंदवंदिते त्रिलोक शोक हारिणि प्रसन्न भक्त पंकज निज भूमि को दे देते खुश होकर के। इसलिए अब बताओ कृष्ण को क्या मानना चाहिए, बताओ क्या मानना चाहिए कृष्ण। इसलिए एक श्लोक है गुरुदेव उस श्लोक को ट्राय करके, गुरुदेव उस श्लोक को बोलते थे श्रीखंड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका कृपा निधे स्वप्रिय चरणम कीर्तनम को। वहां पर कहते हैं श्याम सुंदर हे कृष्णा चंद्र, अगर आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो खुश हो आप क्या करो, बोले आपका जो किंकरी आपका जो श्रीमती राधा रानी की हमें दासी बना दो, राधा रानी के चरण की हमें चेली बना दो। इसलिए जगत में सबसे बड़ा ये कृष्ण को पास में प्रार्थना की वरदान है, कृष्ण की कृपा से ही
राधारानी का प्रति और राधा जी के पास श्री कृष्ण के चरण में प्रेम होता है। इसलिए आज भगवान का जन्मदिन है, समझो आज हमारे जीवन का सबसे बढ़िया दिन, सबसे जीवन में बढ़िया दिन, क्योंकि हमारे आराध्य देव कौन है, कौन है हमारे आराध्य देव। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले आराध्य भगवान ब्रजी सस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु भर भी न जा कल्पिता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारे आराध्य देव कौन है, बोले हमारे आराध्य देव भगवान कृष्ण ही हमारे आराध्य देव है, कृष्ण ही आराध्य देव। क्यों कृष्ण ही हमारे आराध्य देव कारण है, बल कारण है जो कृष्ण ही ये परतत्व है। इसलिए जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, जब भगवान कृष्ण विराट है, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ तुम देख ले हैं, बोले मत्त परतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन मुझको छोड़कर के जगत में कोई परतत्व नहीं, कहते मई सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय। तब कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे एक फूल की माला है, हमें फूल ही फूल दिख रहा है, लेकिन इसलिए फूल ही फूल में माला बनी हुई, लेकिन उसको अंदर में एक धागा है, वो धागा हमें नहीं दिख रही, धागा दिख रही नहीं दिख रही। अगर ये धागा को तोड़ दो तो फिर माला रहेगी, सब माला सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उसी तरह ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे को विद्यमान है, इसलिए मेरे से अलग कोई तत्व जगत में नहीं। इसलिए कृष्ण इसलिए लास्ट में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। हे अर्जुन तुम सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, बोले पाप नहीं लगेगा, अभी तक तो माँ देवी की पूजा कर रहे थे, शंकर जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी को गणेश, फिर वो बिगड़ तो नहीं जाएंगे, फिर अगर बिगड़ करके फिर घर में अनहन से कुछ करना अगर शुरू कर दे तो फिर कृष्णा दूसरे लाइन में कहते, बोले कोई चिंता मत करो हैं, कोई चिंता मत करो हैं, इसलिए मैं ही तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों दुनिया का मालिक मैं हूँ, दुनिया की मालिक। इसलिए गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश बताओ तो कृष्ण का, गीता में सबसे बड़ा उपदेश कौन सा उपदेश है, कौन सा स्मरण कौन सा, हाँ ये पंडित ध्यान। इसलिए गुरुदेव ने कभी इसको प्रश्न किया, बताओ तो गीता का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या उपदेश है, किसने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अलग 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 बात बताया गुरुदेव ने ही। इसलिए कृष्ण गीता में गोपनीय तरह और सर्वश्रेष्ठ गोपनीय बात बताए, लेकिन लास्ट में कृष्ण कहते हैं अर्जुन चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, दोस्तों के पास में दोस्त कोई बात को नहीं छुपाता, इसलिए अभी मैं तुमको सर्व गुहतम कहूंगा, मैं तुमको गोपनीय सभी सर्वश्रेष्ठ जो गोपनीय बात है तेरे को मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों चूंकि तुम मेरी सखा हो। कहते वो कौन सा श्लोक है, बोले मन मना भव, यदि मन को और किसी को मत दिया करो, मन किसको दो, बोले तुम मन को मेरे को दे दो, क्यों मन एक है, मन दो नहीं, मन एक है। इसलिए गोपियां कहती है ना, जब उद्धव जी ब्रज में गए और उनको ध्यान की बात बता रहे, बोले कृष्ण कहाँ नहीं होता, कृष्ण तो सर्वत्र विद्यमान है, कृष्ण कहाँ नहीं, कृष्ण तो घटघटवासी है, जहाँ उनको ध्यान कर कृष्ण वहीं पर आ जाए, कृष्ण तो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उनको ध्यान करो। फिर गोपियाँ क्या करती है, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध्य की। उद्धव ये मन दस बीस नहीं है, ये मन एक ही है, ये मन जिसको देना एक को दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण जब से ये ब्रज छोड़ करके
द्वारका गए वे मन तो उनको साथ ही मन चला गया। तुम ध्यान लगाने की बात कहते हो, ध्यान करेंगे किस मन से ना, लेकिन मन तो दस बीस नहीं ना, मन तो एक ही मन है। इसलिए वो एक ही मन को एक व्यक्ति को दे सकते, दूसरों को नहीं दे सकते। अगर इसको इसको देवा दे, उनको पूजा किया, फिर मन क्या हुआ, बंटवारा हो गया ना, फिर तुम्हारी मन ही कहाँ रहेगा। इसलिए एक मन से उसको भुलानी चाहिए, दो मन से नहीं, एक मन से भुलानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते मन मना भरो, ये मन को और किसी को मत दिया करो, मन किसको दो, ये मन केवल मुझे दो। तब गुरुदेव पूजा हमें गुरुदेव देते तो बोले कैसे, बोले गोपियाँ जैसे मन। जिसे गुरुदेव सदा सुनाते हैं ना, एक समय ब्रज में कोई एक नवेलिया, नवेली जानते हैं, नई बहू शादी कर, कोई नई बहू शादी करके आए, तो जो ब्रज में जो गोपियाँ शादी करके आती है ना, वो कोई साधारण लड़की बड़ी नहीं, पूर्व पूर्व जन्म में जिन लोगों ने कठोर कठोर तपस्या करी, जैसे मुनि चरित्र जो कठोर, ये बृहद नारद पुराण में बताया, बृहद बामन पुराण में, ये गोपियाँ पहले जन्म में ऋषि मुनि थे, ये कठोर तपस्या कर रहे थे ऋषि मुनि दंडकारण्य में। जब भगवान राम वहाँ पर पहुंचे, अभी राम को देख कर उनको श्याम किया था, बोले प्रभु हमसे शादी कर दो, बोले नहीं किसी जीवन में नहीं, जब मैं कृष्णा अवतार का आऊंगा तुम सबके सब गोपी बन करके आओ, सब गोपी बन कर जाए। कहते वेद का जो मंत्र था वो भी कठोर तपस्या थी, जब कृष्ण दर्शन दिए बोले बताओ क्या चाहते हो, बोले प्रभु गोपियाँ जैसे आपका भजन की, हम आपको ऐसे भक्ति करना चाहते, बोले नहीं और कोई चीज को मांगो, ये चीज दुर्लभ वस्तु है, बोले नहीं हमें तो केवल गोपियाँ जैसी भक्ति करती थी, हमें ऐसे भक्ति चाहिए, बोले ठीक है सबके सब गोपी बन करके श्री वृंदावन में तुम लोग आओ है। इसलिए जितने जनकपुरी के जितने सब सीता की सहेलियाँ थी, ये सबके सब गोपी बन करके ब्रज में जब कृष्ण आते हैं, श्रुतिचरी मुनिचरी सबके साथ द्वापर युग में गोपी बन करके आई। अभी वो नवेली आई तो साधारण है, पूर्व जन्म में तपस्या करके आए। अभी कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं, प्रभु बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसी बजाते हैं, अभी बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी सबके सब काम धाम छोड़ करके प्रभु को दर्शन करने आते, बोले क्यों, बोले कृष्ण अभी गैया चराने के लिए जाए, कब आएंगे, शाम को आएंगे और कृष्ण दर्शन मिलेगा नहीं। तो जो नवेली थी बोले मैं भी कन्या के दर्शन करने जाऊँ, सास ने मना कर दिया, देखो खबरदार इसको दर्शन करने मत जाओ, वो काला सांप अगर एक बार काट देगा ना जहर नहीं उतरेगा। बोले ये काला सांप क्या मेरे को ही डसेगा, देखो मेरी सास उनको डोकरी वगैरह क्यों जा रही है, अरे मेरी ननद भी तो जा रही है, और देखो ये तुम बूढ़े होकर के तुम डोकरा होकर क्यों जा रहे हो, तुमको काटेगा नहीं और मेरे को बोले तेरे को ही काटेगा, उसको काटेगा नहीं। अभी बोले जब तुम सब जा रहे हो मैं भी जाऊँ, उनको आगे कृष्ण को घूंघट उठा करके दर्शन कर रहा था, कृष्ण सब जानते हैं और कहाँ किस रूप में मेरी दर्शन करने के लिए आए। अभी कृष्ण वो गोपी की प्रेम को बढ़ाने के लिए, क्यों पूर्व जन्म में ये वेद का ऋचा है, वेद मंत्र है, ये गोपी बन करके आए, अभी कृष्ण इनके भाव को बढ़ाने के लिए अभी इनको क्या किया, बोले इनको पास काम जाए कर जाए कैसे, उन्होंने एक बछड़े के पूछ को ना उसी गोपी की तरफ में मुंह करके उसको ऐंठ दिया, इतने में वो बछड़ा खुदक कर उस गोपी को पास में पहुंच गया। पहुंच गया तो कृष्ण बछड़े को बहाना बनाकर गए और अपना बंसुरी से उसका गाल में उसको थोड़ी सी बंसुरी का स्पर्श करा दिया और उन्होंने थोड़ी सी मीठी मीठी हंस करके उनका तरफ में देख लिया। कहते उनकी हंसी नहीं, कहते तीर है, ये तीर है, उनका तेरे से चितवन नहीं है, ये तीर जैसे है, अगर इधर लगना उस पार निकल जाती है, इस पार से उस पार हो जाती है। इसलिए गोपियाँ भागवत में कहते हैं कृष्ण के पास में पांच बाण हैं, बोले पांच बाण क्या, बोले मुस्कुराना है ना, इसलिए बोले खबरदार कृष्ण के तरफ उसको मुस्कुराट देख करके हंसना नहीं, उनको आंखों में आँख नहीं मिलाना, उनका जो सुंदर रूप जो चाल हुआ पांच बाण बताया कृष्ण को पास में। कहते कृष्ण जो उसको तरफ में देखे और मुस्कुराए और कृष्ण खुदकते हुए वहां से चले गए, उसकी मान प्राण चित्त तो कृष्ण लेकर ही चले,
हाँ वो ठगी सी ठगी खड़ी सी खड़ी रह गई, सब के सब चले गए, लेकिन उसकी सांस ने देखा भैया बहू कहाँ गई, ये बहू अभी तक आई नहीं। वो देखा वो तो लकड़ी जैसी खड़ी ठगी से ठगी। बोले मैं तेरे को पहले सावधान कर रही थी ना, तू मत जा, वो काला सांप काट देगा तो जहर नहीं उतरेगा, काट ही दिया ना तेरे को। बोले अभी क्या करे है, उसका मन प्राण से चला गया। बोले इसको कोई चलने फिरने का काम नहीं लगा, यहाँ पर बैठ करके तुम दधि मंथन कर। दधि मंथन करने के लिए बैठा दी, थोड़ी देर बाद में आकर देखती है ना वो दधि मंथन क्या करता, वो राय तू मंथ गई, क्योंकि शरीर केवल शरीर मन कहीं नहीं, मन तो कृष्ण के साथ में चला गया है, और राय मंथन कर रही थी, सोचा चलने फिरने का कुछ काम में लगा के फिर मन वापस आ जाए। बोले जा कुएं से पानी करके ला। पहले कुएं बाहर होता था, लोग वहीं से पानी लाते थे, एक हाथ में बच्चे को पकड़वा दिया, तीन चार मटकी सर पर रख दी, हाथ में रस्सी पकड़वा दिया। वहां पर और भी कुछ गोपियां वहां पर पानी भर रही थी, ये रस्सी लेकर के गले में फांस क्या लगाएगा, वो बच्चे को गले में फांस लगा दी और उसको कुएं में डाल रहे, क्योंकि मन तो है नहीं ना, मन तो कृष्ण के पास है। इतने में किसने कहा भैया इसको तो भूत लग गया है, लेकिन वहां पर अनुभूति संपन्न गोपियां थी, अगर ये कृष्ण रूपी भूत लगे तो क्या होता है। बोले इसको भूत नहीं लगा, इसको तो नंद बाबा भैया जैसा का भूत लग गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले मन मना भव, ये मन को क्या करो केवल कृष्ण में दो। इसलिए कृष्ण ये गोपियों की प्रेम कहते हैं बोले मत मनास्का, संपूर्ण मन अगर मुझे कोई दिया है ये गोपियां ही मेरे को मन मना, इसलिए मन मना भव। बोले भक्त किसका बने, बोले और किसका भक्त मत बनो, कृष्ण कहते और किसका भक्त मत बनो, क्योंकि जिसका भक्त बनोगे ना, कृष्ण गीता में कहते हैं आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनराभक्त न रहना, अगर तुम ब्रह्मा जी का भी उपासना करके ब्रह्म लोक में भी जाओगे, कैलाश तक भी जाओगे ना, तुम्हारी पुण्य जब खत्म होगा फिर वहां से गिरना पड़ेगा। खिन्न पुण्यम मर्तलोकम विसरत, पुण्य समाप्त होते वहां से तुमको इना पतन होना पड़ेगा। लेकिन माम उपतु तू कल्पय पुनर्जन्म न भिद्यते, हे अर्जुन जो मेरे उपासना करते मेरे भजन करते हैं, जहां जाने पर कभी वहां से वापस नहीं आता, जहां जाने पर दुख और कष्ट जन्म मृत्यु संपूर्ण समाप्त हो जाता है वो मेरे धाम है। इसलिए भक्त बनना तो और किसका भक्त मत बना करो, और किसका भक्त मत बना करो, भक्त बनना तो किसका भक्त बनो, केवल कृष्ण कन्या की भक्त बनो। उसके कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, कृष्ण का ये बहुत बड़ा जो प्रतिज्ञा है, बोले कौन तह प्रतिजानी नाम में भक्ता परिषद, अगर मेरे भक्त बनोगे तो क्या होगा, कृष्ण कितने बड़े प्रतिज्ञा लेते हैं। बोले हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। अर्जुन ने कहा आपका भक्त का विनाश नहीं आप ही बताओ, अब मेरे से क्यों प्रतिज्ञा करवा रहे हो, आप ही बोलो तुम्हारी भक्त का विनाश नहीं होगा। कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा की, मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है ना फिर मैं अपना प्रतिज्ञा मेरे को तोड़ना पड़ेगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की, तब शांतम तनु कहा जब हरि से अस्त्र कहा, तभी मैं शांतन का बेटा हूं अगर हरि से मैंने अस्त्र धारण करा दिया। लेकिन कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने अस्त्र धारण किया, भीष्म के लिए अस्त्र अपना प्रतिज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया है। बोले अगर मेरे भक्त प्रतिज्ञा करेगा तो मैं कभी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो है। इसलिए देखो भगवान का भक्त का विनाश, आप बताओ रावण किसका भक्त था, कौन बोले हाथ उठे, किसका भक्त था, शंकर जी भक्त था है ना। आप बताइए भस्मासुर किसका भक्त था, वृद्धासुर भस्मासुर तो शंकर जी का भक्त, ये बाणासुर किसका भक्त था, ये शिव था। जितने देवी का भक्त शंकर जी के भक्त, जितने ब्रह्मा जी के भक्त है ना, सब मरे हैं, सबके सब मरे हैं, लेकिन भगवान का भक्त कभी नहीं मरे। बताओ विभीषण किसका भक्त था, राम, राम का भक्त था। प्रहलाद किसका भक्त था, नरसिंह, नरसिंह भगवान का भक्त था।
नरसिंह भगवान है। इसलिए जितने भगवान के भक्त का नाम सुनोगे ना, जितने प्रभु की भक्त का जगत में एक को भी मरते हुए नहीं देखोगे, लेकिन इनके सिवाय और जितने देवादेवी को जो पूजा किए लाख मरे, कोई शंकर भी रक्षा नहीं किया। इसलिए जिस समय हनुमान जी लंका में आग लग रहा था, लंका में आग चल रही थी, इसने शंकर जी को बोला, क्यों शंकर जी देख रहे हो तेरे चेले की क्या दुर्दशा हो रहा है, तेरे चेले का क्या दुर्दशा, देख लंका जल रहा है कैसे। तब शंकर जी कहते हैं जो राम से विमुख होता है, कृष्ण से विमुख होता है, उसका दुर्दशा नहीं होता है। हनुमान जी कौन है बताओ? वो शंकर जी। हनुमान जी कौन है? वो शंकर है। लेकिन वो शंकर जी की पूजा करता था, लेकिन उसने स्वयं शंकर जलाया, सभी का घर तो जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने नहीं जलाया। किसका घर? विभीषण का घर जलाया, और सबका घर को जला करके राग बनाया। इसलिए कृष्ण कहते भैया मद भक्त भव, और किसी का भक्त मत बनो, अगर भक्त बनना तो केवल तुम मेरा ही भक्त बन। बोले माम जाजी, बोले पूजा करना तो किसको पूजा कर? कृष्ण कहते मेरे, बोले और किसका पूजा मत करो, कृष्ण मना कर देते, और किसी पूजा मत क्या करो, पूजा करना तो तू केवल मेरी पूजा करो, क्योंकि मेरी पूजा में तुमको शांति सुख, केवल मेरी पूजा में ही तुमको प्राप्त होगी, है। इसलिए माम जाजी, बोले प्रणाम करेंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? बोले माम नमस्कुरु, प्रणाम केवल मुझे ही करो, और किसको मत क्या करो, कृष्ण मना कर देते, प्रणाम करना तो केवल कृष्ण को ही प्रणाम करो, और किसको प्रणाम मत करो, मना कर देते हैं। बोले अगर तुम कृष्ण कह रहे पूजा मेरी, भक्ति मेरी, सब कुछ मेरे करो, तब अर्जुन कहते भैया इसको करने से मिलेगा क्या? कहते माम एससी, फिर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। बोले तुमको मिलने से क्या होगा? बोले तुमको मिलने से क्या होगा? कृष्ण कहते मेरे को मिलने से तत् प्रसादात पराम शांति। कहते अगर तुम मेरे को प्राप्त करोगे ना, जीवन में परम शांति, परम आनंद, परम सुख केवल मुझसे ही प्राप्त होगा, और दुनिया में किसी देवादेव को पूजा करने से तुम शांति नहीं मिलेगी। अब रामायण देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, जब मेघनाथ हनुमान को बांध कर ले गया नागनाथ पर्वत, रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे टीवी? अब देखना वहां पर जब हनुमान जी को बांध करके ले गया ना, उसने देखा रावण तो काल को प्यार को नीचे दबा कर बैठा हुआ, हनुमान जी देखा उसको तो पिता घर में झाड़ू लगा रहा है। हनुमान जी का पिता कौन है? कौन है? वायुदेव के घर में झाड़ू लगा, यही भगवान मेरे पिता झाड़ू लगा रहा है। देखा अग्नि, जिस अग्नि को पूजा करते हैं, देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था, घर में कपड़ा साफ कर रहा था, है। और उन्होंने जिस देवादेवी को हम पूजा करते ना, शनि रवि सोम जितने ग्रह को, अब देखे होंगे चारों तरफ में बांध कर रखा। हनुमान जी बोले हे भगवान, ये सारे देवता को ये बांध कर रखा सारे, और सब हनुमान जी तेरे प्रणाम करे, बोले हनुमान जी हमें बचाओ, यहाँ से रक्षा करो, हमें बचाओ। इतने प्रभाव था रावण का, लेकिन सब जल के खत्म, तब एक व्यक्ति बच गया। कौन बच गया? केवल एक विभीषण बच गया। बोले क्यों? वो केवल प्रभु की शरण में आया था। इसलिए कृष्ण कहते अगर मेरे शरण में आ जाओगे ना, केवल तू ही बच जाओगे, ये तो जगत में और भी बचने वाले नहीं। इसलिए देखो जितने कृष्ण भक्त देखो, जितने भगवान के भक्तों को देखो, नाम देखो, सारा दुनिया में उजागर हुआ। ध्रुव, प्रहलाद, वीरा, तुलसीदास, सूरदास, इनका नाम देखो अमर हो। इसलिए भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए? इसलिए भगवान कन्हैया को भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमारा आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण और श्री गिरिराज बाबा है। गिरिराज बाबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते भगवान क्यों आज जगत में आए, ये हमारे इष्ट है, प्रश्न है, भगवान आज जगत में क्यों ठाकुर किया है? तब हमारे शास्त्र में इसी विषय को ऊपर में बहुत सारे कारण बताए, विशेष करके हमारे गुरुदेव ने 10-12 कारण बताए जगत में कृष्ण जगत में क्यों आए। इसका गुरुदेव इसका पहला कारण कहते हैं,
कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अजो अपि सन अभय आत्मा भूतान आपि ईश्वर अपि सन। बोले मैं कौन हूँ? कहते मैं अजय हूँ। बोले अजय मतलब क्या? बोले जिनका जन्म नहीं, वो अजन्मा है भगवान। लेकिन भगवान अजन्मा होते हुए भी, इसलिए कोई कोई कहते ना अरे तुम्हारे भगवान कैसे बड़े हो गए, तुम्हारे भगवान तो जन्म लिया है, तुम्हारे भगवान तो जन्म लिया है, हैं बड़े कैसे हो गए तुम्हारे भगवान, हैं तुम्हारे भगवान कैसे बड़े हो गया, तुम्हारे भगवान को जन्म लेते हैं मरते हैं। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ, हैं इसलिए कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यह विधि तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति नामेति स्वर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म ये अपराकृत दिव्य और अलौकिक है, हाँ ये साधारण नहीं। भागवत सुने कि नहीं आप लोग सुने हो? भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या क्या बताओ तो चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। कोई बच्चा जब जन्म लेता है चारे हाथ में दर्शन देता है, वो सारे पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। बोले हे देवों की वसुदेव, बोले एक जन्म नहीं, हर जन्म में तुम लोग मेरे पिता माता बने, हर जन्म में तुम लोग पिता माता बने हो। पहले जन्म में ये अवतार लिया था, दूसरे जन्म में ये अवतार लिया, तीसरे में ये अवतार, अभी हमारे पिता माता बन करके आए हैं। इसलिए हे अर्जुन हे देवों की वसुदेव जन्म जन्म से तुम मेरे पिता माता हो। भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन लेते हैं और सारे बात को कहते हैं, मेरे को गोकुल में छोड़ करके आ जाना, वहाँ की बेटी जन्म ली मेरे को लेकर के आ जाना। कोई बच्चा जन्म लेने से पहले तो बात बताता है? नहीं बताता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को सही सही रूप में समझ जाए त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं, वो शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में जन्म नहीं लेता, जगत में जन्म नहीं लेता है जो मेरे जन्म कर्म को सही सही जान लेता है। इसलिए बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है सत चित आनंदमय है। और हमारा स्वरूप क्या है? रक्षिति जल पा समीरा पंचरचित यह आभा मा शरीरा। हमारे पंचभूत शरीर भगवान सद चित आनंदमय शरीर है। इसलिए हम जन्म लिए बड़े हुए फिर धीरे धीरे आंखों में कमजोरी, फिर पार पकड़ने लग जाएगा, चमड़ी ढीली हो जाएगी, फिर तो दो हाथ से दो प्यार से तीन प्यार हो जाता है, उसके बाद में राम नाम सकते हैं। लेकिन भगवान भगवान कृष्ण का तो बूढ़ा देखे हुए बूढ़ा हुए भगवान इस जगत में 125 साल तक रहे, लेकिन भगवान का दाढ़ी मोच कभी देखे हो? नहीं, क्योंकि जो भगवान है ये नवक ईश्वर नटक है, हर समय 14.5 साल से प्रभुता उम्र ज्यादा नहीं होता। और राधा रानी का उम्र कितना? 13.5 साल से जब राधा रानी बड़ी नहीं होती, इसलिए उनको वृंदावन में किशोरी कहते, राधा रानी को किशोरी कहते हैं, कृष्ण को ईश्वर नंद किशोर से कृष्ण है, इसलिए वो किशोर और किशोरी। इसलिए भगवान इस जगत में जन्म क्यों लेते हैं? कारण क्या? वो अजन्मा है, फिर उन्होंने जन्म कर क्यों लिया? तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अनुग्रहाय कृष्ण जब जन्म लिए थे ऐसे हो रहा था इसलिए समझो कृष्ण का जन्मोत्सव सही सही हो रहा है। अब हर साल में हर साल है ना, हर साल बारिश नहीं होती है ना, इसी साल ज्यादा बारिश होगी, इस साल ज्यादा ये बढ़िया है कि उत्तर प्रदेश में इतना बारिश नहीं, इसलिए पानी का लेयर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इस बार बारिश हो रही है ना, अच्छी बात है। और जो कल हम लोगों का जो नगर संकीर्तन हुआ वहाँ पर राम कुमार प्रभु जी और जीत भैया और हमारे शिवा प्रभु जी और वो प्रभु लोग कल आए थे, सवेरे से बड़ी तेज बारिश हुई और हम तो डर गए, ये भगवान आज तो रथ यात्रा है, आज तो नगर संकीर्तन निकलेगा, लेकिन भगवान की बड़ी दया है सवेरे तो खूब बारिश हुई लेकिन शाम को एकदम बारिश नहीं हुई, आकाश साफ रहा और कल भक्त लोग एकदम खूब धूमधाम से
कीर्तन करते हुए नाचते कूदते हुए बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर नगर संकीर्तन निकला था। नगर संकीर्तन इसलिए हमारे यहाँ सेवा प्रभु बोल रहे थे आज गली में भी नगर संकीर्तन निकाल लिया। मैंने कहा सब यहाँ पर कीचड़ कीचड़ होता होगा गली गली में, हाँ इसलिए कीचड़ कीचड़ होता होगा गली गली में, नगर संकीर्तन कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। इसलिए हम बैठ करके आज भगवान का जन्मोत्सव है, आज भगवान कीर्तन कर लेंगे और भगवान की थोड़ा कथा सुन लेंगे, ऐसे हम जन्मोत्सव ऐसे हम पालन कर लेंगे। इसलिए वहाँ पर मतलब तीन जगह में प्रोग्राम था, लेकिन तीन जगह का प्रोग्राम हमने कैंसिल किया। एक प्रोग्राम था ग्रेटर नोएडा, हर साल जन्माष्टमी को हम वहाँ जन्माष्टमी मनाएंगे, तो सवेरे जाकर कीर्तन करेंगे, रात को तो वहाँ जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन दिन में ग्रेटर नोएडा में करता था, लेकिन वहाँ का कैंसिल किया। और एक फरीदाबाद में हम कथा किया, वो लोग बहुत बोल रहे थे, मैंने कहा बहुत दूर पड़ेगा, इतना दूर जाकर हम आ ही नहीं सकते, और नोएडा में भी और ही जाना, लेकिन मैंने सबको कैंसिल करके मैंने कहा नहीं हम कितना कथा ही गली में करेंगे। इसलिए घूम घाम करके मैंने देखा यहाँ पर आस पास में बहुत सारे भक्त लोग हैं, इष्ट कैलाश गली आस पास में, मैंने कहा इस जगह पर मैं सब जाते लोग और गोविंद नगर गोविंद गोविंदपुर मेरे सब भक्त जैसे यहाँ पर आ जाए वहीं पर आज हम जन्माष्टमी मनाएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए कृष्ण कहते हैं इसलिए इस जगत में मैं आता हूँ, क्यों आता हूँ बोले भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए। अगर भगवान जन्म नहीं लेते फिर हम बैठ कर क्या कथा करते हैं यहाँ पर, फिर क्या भगवान की जन्म उत्सव मनाते नहीं मनाते, भगवान की कथा पर हम सुनते कथा नहीं सुनते। इसलिए भगवान भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए बने ये लीला है, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े रस्सी की शिखर कृष्णा परम करुण, बताए भगवान क्या है रस्सी की शिखर है, केवल रसास्वादन करना उनका जीवन का लक्ष्य है, और परम करुण, परम करुण मतलब कृष्ण बहुत बहुत ही कृष्ण दयालु है। इसलिए किसी जगत में भगवान आकर के इतने मधुर मधुर लीला की, कृष्ण ऐसे ऐसे मधुर लीला की, इसका एक कारण कहते हैं जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को निराकार विशेष ज्योति स्वरूप मानते हैं, वो ब्रह्म को ही ध्यान करके बोले भगवान तो ब्रह्म एक ज्योति स्वरूप है, क्या भगवान ये लीला क्यों केवल उनको आकर्षण करने के लिए। इसलिए उदाहरण दिया जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे, ये पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान को निराकार मानते थे, लेकिन जब श्री व्यास थे जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बन गया, लेकिन ये ग्रंथ भी पढ़ाए किसी को, लेकिन जिस बच्चे के लिए सुखदेव के लिए मैंने बनाया था वो तो जन्म से ब्रह्म ज्ञानी बन करके चला गया, फिर उनको वापस कैसे लाए। इसलिए श्री व्यास देव का चार ही चले थे, उनने बोले देखो बच्चों चले मेरे एक कोई तोता था वो तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, बोले वो तोते को वापस ला सकते हो, बोले जंगल में बहुत सारे तोते हमें क्या पता अपना तोता कौन है, बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों को एक मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो यहाँ आ जाए समझना यही मेरे तोता है। इसलिए उन्होंने चार चोले को चारों ने मंत्र पढ़ाया, बोले क्या मंत्र पढ़ाया हमें कीर्तन कर लेते हैं, फिर वो मंत्र सुनेंगे क्या मंत्र बनेगा ठीक है, मेरे पीछे पीछे सब हाथ में ताली बजाते हुए गाने बोले कृष्ण देव भगवंतम वंदे, कृष्ण देव भगवंतम वंदे, कृष्ण देव भगवंतम वंदे, कृष्ण देव भगवंतम वंदे, I'm
कृपा करने के लिए आज यहाँ पर बता रहे हैं। तो श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको जोर से तालियां बजाइए। क्योंकि वैष्णव कृपा कहते भगवान को तो हम लोग नहीं जानते, ना कभी देखा है, ना समझा है, ना जाना है, लेकिन कौन हमें बताता है? कहते ये जो वैष्णव होते वो होते कौन है? कहते जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं ना, जो उनके प्रिय परिकर होते हैं, वही धरा धाम से उतर कर यहाँ पर जो है कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो कहते कि आज कल हमें क्या सुनने को मिला था कि दो दो जन्माष्टमी हो रही है, एक जन्माष्टमी कल थी और एक ये है। जब सुनने को मिला कि कल तो संसारिक थी, आज जो है जन्माष्टमी वैष्णव की एक जन्माष्टमी है, तो वो वैष्णव शब्द सुन के अंदर पुलकित हो गया मन कि मतलब एक अलग से ही पहचान है वैष्णव की, क्योंकि वो कृष्ण के प्रिय भक्त होते हैं। तो ये भगवान की जो कृष्ण हम पे करुणा करते हैं, उनकी करुणा को दर्शाने के लिए वैष्णवगण हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ऐसे ही करुणा के सागर हमारे श्रीधर महाराज जी हैं, जो सब तरफ से कैंसिल करके यहाँ पर आए हैं। आज जब मैं बैठी थी तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि आज हमारा निर्जला व्रत होता है, तब सबका अपना अपना सामर्थ्य जैसे भी रखते हैं, तो निर्जला व्रत रखते रहते ना धीरे धीरे जो शक्ति वो क्षीण होने लग जाती है। तो जिस उल्लास से, जिस नृत्य गान से, जित मतलब तो जितनी एनर्जी से इसका जो करना चाहिए पालन, वो लोग कर नहीं पाते। तो आज गुरुदेव के जब मंगला आरती लगे तो मैंने कहा गुरुदेव से कुछ हो ना हो आज इतना सामर्थ्य जरूर देना कि चाहे निर्जला रह कर भी इतना एनर्जी रहे कि जित उत्सव से, जिस तरह से नृत्य गान करके जैसे हम मनाना चाहते हैं उसको उस तरह से मना पाए। तो वही, और आज अब लगा था कि अगर कुछ कहने को मिला ना, मैं हमेशा जब भी कृष्ण को और बाकी देवी देवताओं के बारे में बताती थी कि कृष्ण किस तरह से सर्वोच्च है और उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो लग रहा था आज तो मैं कुछ मतलब शास्त्रों का कोई उदाहरण नहीं दूंगी, सीधा ही डंके की चोट पे बोलेंगे अगर भक्ति करनी है तो कृष्ण की भक्ति करें, जो आज महाराज जी ने बड़े बखूबी से बहुत सुंदर तरीके से आज उन्होंने बताया कि परम तत्व जो है वो कृष्ण ही है। अगर हम कृष्ण को भज लेंगे तो हमें किसी और कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक बड़े सुंदर चीज महाराज जी ने बताई कि अगर हम जिनके भी जिस भी देवी देवता के शरण में हैं, पहले तो हमारी मिश्रा भक्ति आ जाती है, किसी एक के प्रति भी हम नहीं होते, कभी शिव जी के, कभी बजरंग बली के, कभी माता रानी के, नवरात्रि आ गए तो माता रानी का भजन कर लिया, शिव जी का हो गया तो शिव जी का कर लिया, कभी भी हम कहीं पर एक निष्ठता होकर भजन नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जब अगर अभी, और एक चीज महाराज ने बड़े सुंदर बताई कि अगर मान लो तुमने एक निश्चिता भक्ति करके भी, चाहे वो ब्रह्मा जी की कर ली, माता जी की कर ली, या शिव जी की कर ली, और जिस लोक में आप जाओगे तो वहां पर कब तक आप रहोगे? वहां पर तभी तक आप रहोगे जब तक आपके पुण्य
उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। ये बड़ी ही गूढ़ बात है, क्योंकि अगर मांगे जाए चलो कृष्ण भक्ति का नहीं है किसी की सुकृतियां, नहीं है इतनी कृपा, वो भजन नहीं कर पाता। कृष्ण को भी सारे देवी देवताओं के समान ही समझा जाता है, लेकिन वहां पर जिनकी थोड़ी सी भी बुद्धि या सुकृति जीव है, तो वहां पर उनको ये तो पहचाना है कि अगर कौन वापस आना चाहता, अच्छी जगह पे जाके कौन वापस आएगा। अगर हम माता रानी या शिव जी की भक्ति करके अगर शिवलोक तक पहुंच भी गए, लेकिन वो तब तक है जब तक हमारे पुलों से हम फिर नीचे आना है, तो जब नीचे ही आना तो ऐसी जगह का रास्ता नहीं है जहां से हमें वापस ना आना पड़े। तो वो चीजें बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी ने बताया है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति कहते हैं ना, तभी ब्रह्मा जी जैसे देवता ज्ञानी ध्यानी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण की लीलाओं को देखे। तो हमारा क्या सामर्थ्य कि हम कृष्ण की लीलाओं को समझ सकें या कृष्ण को भी समझ सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कृष्ण की लीलाओं को समझा नहीं जा सकता। कृष्ण कहते हैं कि, और वैष्णव धर्म बताते हैं कि अगर कृष्ण की लीलाओं को समझना है तो कैसे समझेंगे। कहते हैं कि जो जिसके ऊपर वैष्णव की कृपा हो जाए या स्वयं कृष्ण जिसके ऊपर कृपा करना चाहे, वही कृष्ण भक्ति और कृष्ण उनकी महिमा को समझ सकता है। तो आज के दिन जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि कृष्ण आज के दिन तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिसका जन्मदिन होता है वो खुश होता है। तो इसका मतलब आज जो है कृष्ण जो है बड़े खुश हैं, और उनसे भी ज्यादा कौन खुश है कोई बता सकता है? राधा रानी। क्योंकि राधा रानी के लिए कृष्ण के बढ़कर कोई नहीं है, और आज उनका जन्मदिन है। तो सोचो राधा रानी कितना करुणामयी हुई होंगी। कृष्ण जो हो रहे हैं सो तो हो रहे हैं, लेकिन राधा रानी कितनी करुणामयी है। तो अगर आज राधा रानी के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमें किसी भी तरह से हरि गुरु वैष्णव के चरणों में भक्ति मिल जाए, किसी तरह से हमारे हृदय में एक अंकुर भक्ति का फूट जाए और उनकी कृपा और महिमा को हम समझ जाए, तो हमारा ये आज का दिन सार्थक होगा। क्योंकि आज महाराज जी से सुनने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेकर बस महाराज जी के चरणों में नहीं चुकी करती हूँ। जय जय श्री राधे हरे कृष्ण। कृष्ण कथा तो अनंत है, अभी जब सोच रहे सुनाए तो कहाँ से सुनाए सुनाए तो कहाँ, इसलिए हम कृष्ण का जन्मोत्सव सुन लेते हैं, फिर बहुत सारी बधाई गा लेंगे। ठीक है, बधाई गाकर नाच कर लेंगे। इसलिए हमारा जो आराध्य कौन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रज सत्य, ब्रज का जो कृष्ण ये हमारे आराध्य। बोले भैया और भी कोई कृष्ण है? बोले हाँ कृष्ण तीन कृष्ण है। कृष्ण कितने हैं? कृष्ण तीन है। एक ही कृष्ण जब वो द्वारका में रहते हैं वो पूर्व में है, लेकिन वही कृष्ण जब फिर मथुरा में आते हैं वो पूर्णतर है, उससे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन वही कृष्ण जब श्री वृंदावन में आते हैं वो पूर्णतम कृष्ण होते हैं। बोले भैया इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं वो राजा है, द्वारकाधीश है, सब उनका आदेश पालन करते हैं जिसको जैसे। और जब कृष्ण सिंहासन में बैठते हैं सब नीचे बैठते हैं और हाथ जोड़ करके बैठते हैं, सब देखते हुए कृष्ण वहां पर रहते हैं। इसलिए वहां पर कृष्ण पूर्ण है, जहां पर कृष्ण को ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारण, जहाँ पर यही सारे कारणों का कारण है, इनकी इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, जिनकी एक इशारा में ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते हैं। इसलिए वहां पर पूर्ण भगवान, इसलिए वहां पर बताए कृष्ण पूर्ण। लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में आ जाते हैं फिर उनको शादी होती है, उनका फिर 16,108 पटरानियां होती हैं, फिर उनका बच्चे होते हैं। इसलिए उसी समय वहां पर जो ईश्वर का ईश्वर मानते थे थोड़ी सी यहाँ पर ईश्वरता कम हो गई, कम नहीं लेकिन थोड़ा माधुर्य आ गया, यहाँ पर माधुर्य आधा और उनका ईश्वरता आधा हो गया। जैसे उनको पत्नी भरनी रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी, इसलिए कभी उनको साथ में ठिठोली करते हैं, उनको बच्चे भी होते हैं, बच्चे होने का नाते कभी गोद में चढ़ जाते हैं, कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण उनको प्यार करते हैं। हाँ भगवान मानने पर भी वो आधा भगवान मानते हैं, पूरा भगवान नहीं, वो
वो आधा जो बच्चे है ना स्त्री है अपना परिवार है, इसलिए कृष्ण पूर्ण था। लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में आते हैं ना, वृंदावन में उनको कोई भी भगवान नहीं मानते, ब्रज में उसको कोई भी भगवान नहीं मानते। सखा लोग क्या कहते हैं, बोले कन्या तू किस चीज के बड़ा, श्रीधाम कहते बता तेरे पिताजी का कितने गई, बोले 9 लाख। श्रीधाम कहते मैं दुष्यवाद मारा गया, बेटा मेरे तो हमारे घर में 11 लाख गया है, अब बताओ तेरे साथ में जो मैं कुश्ती लड़ता हूँ मैं तो तेरे को पछाड़ देता हूँ और तेरे छाती पर बैठ जाता हूँ। उस समय कृष्ण है, उस समय कृष्ण और सखा बन जाते हैं। अगर सखा को कभी मीठा कोई फल मिल गया ना पहले खा लेगा, बोले कन्या फल बड़ा मीठो फल है, बोले सारे तो अकेला खाओगे मेरे को नहीं कभी, उसको झपट करके कृष्ण उसको फल को खाएंगे हैं। वहां पर भगवान नहीं मानते हैं। फिर भैया अभी तक भगवान का कान किसने पकड़ा है, दुनिया का कान पकड़ करके उठाते बैठा, लेकिन ब्रज में अगर कन्या कभी मक्खन खा लिया ना चुन करके मिट्टी खा लिया मक्खन, भैया सीधा और कहीं नहीं सीधा कान पकड़े, अपवित्र चोर चुपते भगवान करे चोर हैं, सारा दुनिया कान पकड़ा करके जो उठा के बैठा के, आज कृष्ण स्वयं माँ जिसका कान पकड़ती है, वृद्ध ने मखन खाई कृष्ण डर जाते भैया नहीं मारे, बोले भैया मोरी मैंने ही मखन खायो, बोलो मैया मोरी मैंने ही मखन खायो, इसलिए कन्या डर जाते हैं मैया से। अभी तक भगवान को किसने बांधते, लेकिन मैया ने उठल में बांध दिया है। फिर जब गोपियों के पास में आते हैं कृष्ण, फिर तो कृष्ण उनके साथ में रास रचाते हैं, गोपियाँ थक जाए तो कृष्ण कहते थोड़ा प्यार करवा दूँ, पसीना आए तो दोपट से उनको पसीना को पोछ देते हैं, पसीना को पोछ देते। इसलिए यहाँ पर विश्व ब्रह्मांड जिनकी सेवा करते वो गोपियों की सेवा करते हैं। फिर जब राधा रानी के पास में आ गए, वहां पर तो राधा रानी जब मान करती है, कृष्ण कहते कोई काले व्यक्ति, राधा रानी कहते कोई काले व्यक्ति को अंदर घुसने लग गया, आज तो मैं कोई काला चीज देखना नहीं चाहता। कृष्ण दरवाजे को सामने खड़े हुए हैं, कृष्ण हाथ जोड़ करके कुंज में प्रवेश करना चाहते, गोपियां प्रवेश करने नहीं देती, उनको निकाल देती है, उनको निकाल देते बाहर। इसलिए वृंदावन में ना कृष्ण को कोई भी भगवान नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे आराध्य देव कौन है, जब कृष्ण वृंदावन में आते कैसे भी जो भगवान हो तो उनको पूजा करनी चाहिए ना, और जो भगवान नहीं उसका कैसे पूजा करनी चाहिए। हाँ देख एक चीज समझो, गुरु जी उसको उदाहरण दे, ध्यान देकर सुने चीज को, बहुत अच्छी चीज है ये, चीज को दिमाग में बैठा हो अच्छे तरह से। जैसे एक व्यक्ति वो जज है, वो जज रूप में जब वो बैठता है अपना कोर्ट में, जरा सब सालों जो सब जिसको फांसी का रहता, जिसका आजीवन कारावास दे देता है, वहां पर सबके से थर कांपते हैं, भैया कोई गलती हो जाएगी ना हमें जेल में बंद नहीं कर देते, वो जो बोलता है वही होता है। वो जज जब हाईकोर्ट में बैठ करके अपना आदेश को देता है, मानो गुरु जी कहते हैं उसका मानो ड्यूटी 10 से लेकर 4 तक उसकी ड्यूटी, लेकिन देखना जो 4 बज जाती है फिर उसका मन उसका मन टगमगाने लग जाता है, कब मैं खा लूंगा, कब अपना बीवी से मिलूं, कब बच्चे से मिलूं, कहीं कब मैया से मिलूं, उसको मन छटपट, अगर 1 घंटा ज्यादा 4 से 5 घंटा 5 हो गया ना उसका मन खिलबिल मच जाती, कब मैं घर में जाऊँ घर में जाऊँ, हाँ खिलबिल मच जाती है। लेकिन जब घर में आता है ना, वो आते ही बच्चा दौड़ करके आए, पापा पापा मेरे लिए कुछ गोद में चढ़ गया, बाल नोचने लग गए, मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं, आते ही तो फिर पत्नी की डांट, इतना लेट कर दिया, बच्चे को पढ़ाई करना था, घर में ये सब्जी नहीं वो लाना, पत्नी की गाली, फिर आते ही पिता माता तू अभी तक तू नहीं आया था क्या करना, घर में बच्चे गोद में उठ करके पकेट में हाथ घुसा रहे हैं, पिताजी कंधे पर चढ़ रहा है, बीबी गाली दे रही है, मैया गाली दे रही है, लेकिन उसको ये बताओ कोर्ट में उसको सबके सब सैल्यूट करते थे, इतने उसका आदेश है, लेकिन आप बताओ उसको कोर्ट में अच्छा लगता था ना घर में अच्छा लगता था, घर में ना क्यों, कोर्ट में तो उसका सबके सब आदेश पालन कर रहे हैं, घर में तो सबका आदेश को खुद पालन कर रहे हैं, सब उसको नौकर है, सभी का टांग करना, लेकिन घर में क्यों, अरे घर में प्रेम है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पिता माता, उसको डांट भी घर की अच्छी लगती है,
इसलिए कृष्ण कहते हैं जब गोपियां मेरे को गाली देती है ना, चोर छोटे मक्खन चोर, कहते इनका गाली मेरे को इतनी प्यारी लगती है, वेद स्तुति भी मेरे को इतना प्यारी नहीं लगती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो ब्रज की जो भक्ति है, यहाँ पर कृष्ण को अपना ही मेरे बेटा लाला है, मेरे प्रियतम है। इसलिए कहते हम कौन सा कृष्ण को भक्ति करेंगे, ये कृष्ण को भक्ति करेंगे जो ब्रज, ब्रज का जो कन्हैया, जो मक्खन चोर है, जो राधा कांत गोपी कांत है, इन ये यही हमारी आराधना है। बोले तत्धाम, तो कौन सा धाम में रहते हैं, बोले तत्धाम वृंदावन, तो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन कृष्ण। बोले भैया की किसका फिलोसफी है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मत विधम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत, इन्हीं को फिलोसफी है भैया के, बोले इसको आदर करो और इसको आदर मत करो। इसलिए हमारी आराध्य धर्म कौन है, श्री कृष्ण कन्हैया ब्रज का है, जो नंद के लाला जसदा दुलाला राधा कांत की हमारी आराध्य है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए आज भगवान ने जन्म ग्रहण किया, थोड़ी सी जन्म कथा सुनेंगे, एक तो बधाई सुनेंगे, ठीक है। इसलिए कृष्ण कहाँ जन्म हुए, अगर आप सारा दुनिया व्यक्तियों को पूछो, हमारे गौड़ी मठ को छोड़ करके सारे स्कूल वालों को भी पूछ लो, सारे गौड़ी पूछो कि कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए, बताओ दुनिया क्या बोलेगी, मथुरा में। कहाँ पर जन्म हुए, मथुरा में। ये सारा दुनिया यही बोलेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, लेकिन हमारे महाप्रभु का जो संगम में आए, जो गौड़ी मठ का संग किया भक्तों का, वो कहाँ बोलेंगे कृष्ण कहाँ जन्म हुए, गोकुल में, गोकुल में, वृंदावन में जन्म हुए। इसे कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गए, जन्म नहीं है, उसको प्रकट कहते हैं। बोले भैया आप प्रकट इस चीज को अच्छे तरह से समझ लो, आप लोग सब गौड़ी मठ गए, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, ये जन्म और प्रकट में क्या फर्क है। आप लोगों ने बच्चे को जन्म दिए होंगे, अब देखना माँ जो बच्चे को जन्म देती है, माँ की पेट में से बच्चा जन्म उसका नार होता है, उसको बाद में उसका नाड़ी काटी जाती है, काटी जाती है कि नहीं, माँ के पेट को साथ में जुड़ी, इसको कहते हैं जन्म। लेकिन कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए, क्या वो नाड़ी काटी गई, जैसे मैया की पेट से बच्चा जन्म होता है, ऐसे जन्म हुए नहीं। मैया देव की गर्भवती थी, भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, बोले मैं अभी बालक बन जाऊंगा और मरी को लेकर छोड़कर कहाँ गोकुल में आ जाऊंगा। इसलिए कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, और जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए ना, वही ही छोटा बालक बने, वहां जन्म नहीं हुए, वही जो नारायण झट किया हुए छोटे बालक बन गए, भैया के पेट से जन्म नहीं हुए, लेकिन गोकुल में क्या हुआ, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी भी नहीं बोलेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, क्यों, बड़ी बूढ़ी गोपियां आपको पता होगा जन्म होने के बाद जो बड़ी बूढ़ी माताएं होती हैं वो नार काटती हैं। बोले अपना आंखों से हमने देखी मैया की गोद से जन्म, कोख से जन्म लिया, अपना हाथों से हमने नाड़ी काटी है, अब तू कह रहे मथुरा में जन्म हुए, हमने अपना आंखों से देखा बच्चा जन्म लिए, नाड़ी अपना हाथों से काटे, आप तो इसी तरह गोकुल में मथुरा में नहीं, कृष्ण कहाँ जन्म हुए, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। इसलिए श्रीमद् भागवत में बहुत सारे श्लोक है कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हाँ ये सब के सब श्री सुखदेव गोस्वामी जब नाम करण करते हैं, स्वयं कहते हैं बोले नंदस्तु आत्मत जाता लाद महात्मा, ये नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भैया कोई कहते वसुदेव का आनंद भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, बोले क्यों, बोले नंदस्तु आत्मस, ये नंद नंद के लाला है। ब्रह्मा कहते पशुपांग जाय, श्री गर्गाचार्य कहते हैं क्वचित हम वासुदेव क्वचित जाता तदात्मज, हे श्री नंद नंद बाबा ये कभी वसुदेव का भी बेटा बना, लेकिन ये बेटा तुम्हारी बेटा, ये कभी वसुदेव का भी बना है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी सब के सब कह रहे भागवत में, गोपियां जब गोपी गीत गा रही थी, बोले जयती तिथिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत, गोपियां कहती हैं
कृष्ण कहाँ जन्म होंगे, बोले ब्रज, ब्रज में कृष्ण जन्म होंगे, इसलिए कृष्ण नंद नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण, इसलिए ब्रज के नंदलाला से कृष्ण जन्म, समझ गए कि नहीं, इसलिए नंद का ही लाला है, इसलिए हम थोड़ी कथा सुन लेते हैं। बोले श्री परजन बाबा तक पांच बेटे हैं, उपानंद सुनंद नंद और अभिनंद, ये पांच बेटे हैं। पहले नियम होता था 50 साल बाद में कोई घर में नहीं रहता, इसलिए 50 के बाद में कौन सा अंक आता है, एका बन, बा बन, चौ बन, ये बन बन, मतलब 50 साल हो गया और घर में नहीं, वृंदावन में जा भजन करो, कहाँ जाकर भजन करो, एका बन बा बन वृंदावन में जाकर भजन करो, इसलिए ये बन बन शब्द है। इसलिए 50 साल के बाद में कोई भी घर में नहीं रहते थे, क्योंकि सब भजन के लिए चले जाते थे। इसलिए श्री परिजन बाबा बोले बेटे बड़े हो गए, घर में बहू नहीं आ गई, अभी नहीं तो घर में रहो ना, फिर बहू के साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, फिर तो बहू नहीं टूटी गई, इसलिए इसको पहले से ही वृंदावन किया, भजन करो, आनंद से रहो, ठार बार से रहो। इसलिए अपना पांच बेटे को बुलाया, बोले सबसे बड़े बेटे को मैं राज सिंहासन में बैठा करके वृंदावन जाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा बेटा ने कहा नहीं, मेरे अंदर राजा की योग्यता नहीं, मझिला बेटा श्री नंद को ही राजा बनाओ। तो उन्हें नंद बाबा को राजी व्यक्त दे करके वो वृंदावन भजने के लिए चले गए। चार बच्चों का तो बच्चे हैं, लेकिन श्री नंद बाबा की बेटा थी, इसलिए श्री परिजन बाबा ने, अब लोग नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए, अब लोग सब के सब गए, वहाँ पर देखना आशीश्वर महादेव, देखे हो कौन कौन आशीश्वर महादेव देखे, कहते वहाँ पर श्री शंकर जी आशीश्वर महादेव, श्री परिजन बाबा आशीश्वर से उन्होंने पूजा की। बोले मेरे चार ही बेटे का तो बेटा, लेकिन तो बोले मझिला बेटा नंद का बेटा नहीं, हमें एक बेटा प्रदान करो। तो आकाशवाणी हुई, बोले हे परिजन बाबा कोई चिंता मत करो, तेरा मझिला बेटा का ऐसे एक बेटा होने वाला जो बेटा सारा दुनिया में तेरे जस को फैलाएगा, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम ये बेटा रखने वाले है, इसलिए उनका नाम आशीष, आशीष मतलब उनकी आशीर्वाद से तब भगवान कृष्ण जन्म होते हैं। इसलिए अभी श्री नंद बाबा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब संतान नहीं हुए बड़े दुखी थे, मैया जसोदा की धीरे 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 उम्र बीतती जा रही है, ऐसे उम्र बीत जब बच्चे होने का जो उम्र बीतती जा रही है, बड़े चिंताग्रस्त है। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में नंद जसोदा स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चार दीर्घ नयना बाल स्तवांतस्तरी, अभी दोनों का नींद खुल गई ब्रह्म मुहूर्त के बाद में, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न करके सही होता है। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोले महल महल जी मैंने भी बड़े सुंदर स्वप्न देखा, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक श्याम सुंदर श्याम रंग का बालक पहुंच रहे हैं, और तुम्हारे स्तन पान करते हुए दोनों धार से दूध बह करके उसका कुर्ता भीग रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं देखा, लगा लगा सचमुच से तेरे गोद में तो बालक है। इतने में जसोदा बोले मेरे स्वप्न देख लो, बोले बता, बोले मैंने भी देखा एक श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते आ रहा है, और कपड़े खेसते हुए बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को भूख लग रही है, मैया मेरे को दूध पिला दे, मेरे को लगा सचमुच से कोई एक बालक है। उसी रात को मैया गर्भधारण करती है, पूरा ब्रज में हला हो गया, मैया नंद के लाला होने वाले हैं, इतने गोपियां 84 गज में लहंगा सुंदरी बना करके रखे, इसको पहन करके हम बधाई देने जाएंगे, जितने पुरुष लोग थे बगल बगल की धोती पगड़ी बना कर रखे, बोले हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। अभी अभी तो मशीन निकल गया, बच्चा होने से पहले पता लगा अगर बेटी हो तो मार को बेटा उधर रखो, पहले ही मशीन वशीन कुछ नहीं होता था, हाँ? और पहले बड़े बुढ़ियों के अंदर में ऐसे नलेज होता था जिसको देख करके बता देती थी ये लाला होगा ना लाली होगा, देखो ठाकुर जी की इच्छा में जो कुछ घर में आए ना उसको ही ठाकुर का आशीर्वाद मांगना चाहिए, ऐसे नहीं लाला 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 चाहिए ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। देखो सारा दुनिया में मैं जाता हूँ, सारा दुनिया में मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ लोग दुख कष्ट मेरे को बोलते हैं आकर के, अक्सर करके हमने सुना बेटा को जब घर में शादी होकर के घर में बहू आती है उसके बाद में सास के साथ लड़ाई झगड़ा कर शुरू होती है, फिर जाकर के रात दुख कष्ट भोग करते हैं, लेकिन लास्ट में हमने बहुत लोगों को देखा लास्ट में जाकर के पिता माता बेटी को आश्रय, यहाँ पर हमारे एक बैठी देखिए प्रेम लता जी देखिए
इनको पूछ लो कि सारी बात बता दें, इनकी दो दो भैया, लेकिन भैया अगर कहाँ पर घूमते हैं यही बता दें। बेटे देखे नहीं भैया, लास्ट में इन्हीं के शरण में आकर के जिंदगी बार भैया ने अपना जीवन बिताया। इसलिए बेटा हकदार कहता है हमें जमीन जायदाद चाहिए, लेकिन बेटी नहीं करती है। बेटी भले ही जा रहे वो खबर लेती रहती है, अरे पितामा सा देश है वहीं से खबर लेती है। और देखो और एक चीज समझो, अगर बेटी नहीं हो जगत में चाचा चाची नाता पोती जो दुनिया किससे बढ़ रहा है, पुरुष से बढ़ रहे ना, माताओं से। जन्म कौन देती है, कौन देती है जन्म? अगर लड़कियां नहीं हो सृष्टि बढ़ सकती है? इसलिए भगवान के आशीर्वाद से बेटी आए। इसलिए दुनिया कहते घर में बेटी आए तो लक्ष्मी आई है ना, इसलिए बेटी आए और बेटा आए दोनों को बराबर रूप में दोनों को। अभी तो हमने सुना हमारे जो मोती और जोगी घर में बेटी होना उसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा डिपॉजिट कर रहा है, उसको पैसा बेटियों को पैसा दे रहे हैं, जैसे अच्छी तरह से इनकी शादी को हो जाए, बेटियों को जैसे गर्भ में मारे नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर श्री कह रहे हैं अभी दुनिया में हल्ला हो गया, अभी सबके सब सच सच कर बैठे, कब सिर्फ लाला जन्म होगा हम बधाई देने के लिए जाएंगे। हाँ इसलिए भादव का महीना अष्टमी की रात, अष्टमी की रात्रि भादव की महीना रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन भगवान जन्म ग्रहण करते हैं, बुधवार का दिन। और नंद बाबा का जो बहनी श्री सुनंदा थी, ये सुनंदा आकर के सारे घर का काम काज पहले से देख रहे हैं, उनको पता है ना भाभी गर्भधारण की मेरे को बढ़िया दहेज मिली, उनको दान मिलेगी पहले से ही आकर के श्री ननंद दहेज घर से छह महीना से आकर बैठ गई और नजर देखेगी कब बच्चा होगा और हमें माल मिलेगी दक्षिणा मिलेगी, वो छह महीना पहले से आकर के घर में जम करके बैठी हुई है। अभी भगवान जन्म ग्रहण करने वाले, लग रहा था जैसे आज ही है, आज रात को ही किसी बेटा का जन्म होने वाले है, किसी बेटे को आज रात को जन्म होगी। लेकिन काम कर दो घंटा टीक लगवा दो, 8 बजे तक जग रहते गांव में सो जाते हैं, दो घंटा 10 से 12 से 2, अभी 10 बजे तक तो जगे रहे, ढोल की मजीरा बजाते हैं उसको, बाद में फिर जोग माया ने सबके सब सुला दी, पता नहीं कब श्री नंदव वसुदेव महाराज आए और अदला बदला कर कब ले गए। इसलिए श्री मैया जशोदा 2 बच्चे जन्म दिया, पहले तो कृष्ण को जन्म देती है, उसको बाद में जोग माया की जो छोटी बहनी उनको छोटी बहनी को उन्होंने जन्म दी। जब जन्म दी अभी सबके सब जोग माया सुला दी, सब सोए पड़े हुए, सबसे पहले सुनंद की आग खुली क्योंकि पहले से आकर बैठी ना, हमें दक्षिणा मिलेगी दान मिलेगी, सबसे पहले उसकी तो रात भर नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जोग माया सुला दी थी आज बच्चा होने वाले भैया तो मेरे को बहुत बढ़िया दहेज बहुत बढ़िया हमें दान देगी। अभी सबसे पहले इनकी नींद खुली तो बोले भैया सबके सब लेटे हुए, भाभी का क्या हालत है? वहां पर दरवाजा खोल करके देखिए मैया की गोद में बड़ा श्याम सलना बालक लेकर जा रहे हैं। इसलिए अभी देखा गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलना सा सुंदर एक बालक कीकर मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया पता नहीं कब बालक की जन्म हो गई, सबके सब सोए पड़े हुए, सबसे पहले भैया को ये खबर दो फिर नवला की हार मिलेगी। लेकिन भैया कहाँ ढूंढो तो सही, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा नंद बाबा बड़े बुढ़ों को बीच में बैठकर माला सजा रहे, वो माला नहीं हो रहा था, लाला कब हुए वो, लाला कब हुए वो, लाला कब हुए, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने आकर के बोल दिया भैया कमाल है गए, इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दिया, बोले बहन घर में कहा भाई हो भाई, बोले उन्होंने बताया पहले तो बताओ मेरे को क्या मिलेगा फिर तो बताऊंगी, बोले तेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले भैया बात इतने बड़ी जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं, बताओ और क्या मिलेगा, बोले ट्रेजरी का सारा चाबी काटी तू ले जो इच्छा ले लेना। बोले भैया बात इतने बड़ी ट्रेजरी का चाबी काटी कुछ नहीं, बोले इतने बड़ी बात, बोले और क्या दोगे, बोले देख और जमुना किनारे में जो भैया चलते ना तुझे जमीन जाएगा तेरे नाम पर लिखा दूंगा। बोले भैया वो भी कुछ नहीं, बोले क्या वो भी कुछ नहीं, फिर और क्या लोगे, बोले ठीक है आज से मैं तेरा ही भैया, लेकिन बता तो सही घर में कहा हुए, बोले बाबा तेरे घर में
कौन है? लाला वैसे नंद के लाला की जय में आनंद मिल गया। आज भगवान जय हो गए ना, जितने जोर से ठाकुर को जो जय देते हैं ना उतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं, इसलिए जोर से देखा तो ये शब्द बोलो तो वृंदावन तक पहुंच जाए। बोले श्री नंद के लाला की नंद बाबा तो वहीं से ही तोड़ लगाए। हाँ, क्योंकि कितने यज्ञ कितने तपस्या उन्होंने किया, एक लाला घर में हो जाए, क्योंकि भविष्य में राजगद्दी संभालने वाले कोई नहीं था। लाला की जब पहला बार उन्होंने मुख दर्शन की, उन्होंने संकल्प कर लिया, बोले 20 लाख गैया मैंने ब्राह्मण को दान दूंगा, 7 तील का पर्वत को है मखमल वाले कपड़े उड़ा करके मैंने ब्राह्मण को दान दूंगा, संकल्प कर लिया। फिर उन्होंने एक नाई को भेज दिया, बोले जाओ ब्रज में ढींढरा भिजवा दो, नंद के लाला भैया भी सबके सब बधाई देने के लिए आए। और जितने ब्रज की गोपियां बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए सज धज करके दूध दही मक्खन लेकर के कान में कुंडल पूरा 16 श्रृंगार पहन करके आए। गोपियां जब आ रहे थे ना, कान का कुंडल बड़ी जोर जोर से गिरा, बोले क्यों? बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के लाला को बधाई दे। चोटी में जो सुंदर फूलों की माला गूंथ कर रखी थी सजा करके, एक फूल उनकी चरण के ऊपर भी गिर रहा था, बोले क्यों? बोले जो कृष्ण की नंदोत्सव मनाने जा रहे हैं उनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। जितने गोपियां थी मैया जस्ता को बधाई दे रही, देखो सब गोपियां बैठे हो, मैया जस्ता को बधाई दे रही है। मैं बोलूंगा मैया जस्ता बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना, बोले मैया जसदा बधाई हो, मैया जसदा बोली बधाई हो, बधाई हो गोपिया, ये बुढ़ी उम्र में भी मुझे लाला का मुख दर्शन करने को मिला है, ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है। इतना पुरुष लोग थे नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, नंद बाबा भी बोल रहे थे हैं तुम लोगों का आशीर्वाद से बूढ़े उम्र में हमें लाला का मुख दर्शन किया, ये लाला मेरी नहीं लाला से तुम लोगों का लाला, तो सबका आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे क्या आशीर्वाद दे रहे थे? रे जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया हर तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना। ब्रज नंद के लाला इतने में वहां पर हर साल में वर्णना करता हूँ 33 करोड़ देवता आ गए, 33 प्रभु का जन्म उत्सव है ना, सारे देवता इंद्र चंद्र वायु वरुण कुबेर शंकर ब्रह्मा दुर्गा देवी जितने स्त्रियां थी जितना देवियां थी ना, ये ब्रजवासियों का रूप धारण करके आ गई स्त्रियां रूप, और जितने देवता थे ब्रजवासी रूप धारण करते हुए सबके सब आए हुए थे। आज भगवान जन्म ग्रहण किए हैं, वहां पर श्री शंकर भी आए थे अपना पत्नी पार्वती और उनको 2 बेटे को साथ में, बेटे के तो कौन 2 कौन है कार्तिक, अभी शंकर भी तो बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों? उन्हें 9 लाख गैया उन्होंने दान दिया सोने में, सिंह को मड़वा करके पूरा को चांदी में मड़वा करके, शंकर जी देखे भैया इतने गैया दे रहे हैं, मेरा जो नंदी अभी तो गैया का रूप है, हो ना हो गैया मान करके अगर इसको दान दे दिया फिर मेरे बाहन चला गया तो फिर पैदल में जाना पड़ेगा, इसलिए शंकर जिसको पूछ पकड़ कर खड़े हो गए। फिर मैया पार्वती वो भी चक्कर में पड़ी गई, बोले क्यों? हाथी घोड़ा पार की, बोले इतने हाथी घोड़े दे रहे थे, बोले हो ना हो मेरा गजानन गणेश जी का मुंह भी हाथी, अगर इसको हाथी मानकर दान दे दिया मेरा बेटा ही चला जाएगा। उनने गोद में लेकर गोद को चुपका कर खड़ी की, वहां पर स्वयं कुबेर आए थे सारे धन दौलत का जो खजाना, वो भी चक्कर में पड़े गए, बोले क्यों? बोले रमा किरण और भूतनी को सुखदेव गोस्वामी कहते पर की उन्होंने इतने दान दिया,
ब्राह्मण लोग तो गठरी बांध करके हीरे जवाहरात ले नहीं पा रहे थे, वो रास्ता में कोने में गिरते 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 जा रहा था, ऐसे लग रहा था मान लक्ष्मी अली गलियों में नाच रही है कृष्ण का जन्मोत्सव में। कुबेर का सर भी नीचा हो गया, इसलिए सबके सब क्या बोल रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इसलिए आज जितने गरीबवासी है आप लोग का धन्यवाद है, और विशेषकर राम कुमार को भी, राम कुमार इधर कर याद जब भक्त लोग को था ये बोल रहे सब आ जाओ। क्योंकि जो गरीबवासी है ना, जब मैंने कल ही खबर भेजा है, मेरे यहाँ पर आने का कोई ये नहीं था, कल ही खबर भेजा, लेकिन आश्चर्य की बात है मैंने कल ही तक खबर भेजा, लेकिन आप लोग गरीबवासी इतना एक दिन में ये बारात हम लोग कर ली, एक दिन में चाचा जी का फोन आया, हमने माइक से व्यवस्था कर दिया, और उनका फोन आया उनका, हम लोगों ने बारात हम लोग को ठीक कर दिया, और कोई बात नहीं, मतलब एक दिन में ही उन लोगों ने सबके सब ले कर के, मतलब इतने जल्दी एक दिन में सब की व्यवस्था करना ये गड़ी आश्रम की संभव है। गड़ी आश्रम को हम ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हैं, नाम इसका नाम का किया जाएगा ना गड़ी, किसी जी गड़ी है, कृष्ण भक्तों का घर है, कहते ना इनका घर है, तो जहाँ पर केवल गड़ी मतलब जहाँ पर भगवान की गुजर है ना, जितना गुजर या कौ किबरिया मेरे घर कृष्ण ही गुजर है, कृष्ण ही गुजर और गोपियाँ गुजरी है, और ये गांव किसकी गांव है, गुजर का गांव, गुजर का गांव है, गोपी और गोप का गांव, इसलिए इन लोगों ने इतने बढ़िया रूप देखा। हरे कृष्ण, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और हमारा प्रेत मित्र परीक्षाओं में शोभा श्रीमद भक्ति वेदा नारायण गोस्वामी महाराज के चरण को जो अनंत कोटि धन्य तर्पण करता तथा उनकी आवधिक कृपा की कामना की वांछन बस ऐसा मैं अपने शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि धन्य तर्पित करता हूँ तथा उनकी आवधिक कृपा की कामना की वांछन करता हूँ। महाराज जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें आज्ञा देते हो कि प्रोग्राम करना, इसलिए मैं आपका तहे दिल से अपनी कमेटी की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि संत स्वयं हमारे यहाँ चल के आते हैं, ये गरीब वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इसमें हमें फर्क है कि महाराज जी बड़े प्रेम करते हैं हमसे, और वो जब मर्जी हमसे कह देते हैं कि भाई हमें आना है, तो हम अपने खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, महाराज जी का आगमन है, हम सब बड़े प्रसन्न हैं यहाँ कि भगवान के साथ भगवान के भक्त हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज जी, आप जब भी हमें आज्ञा दोगे हम आपकी सेवा में अपने तन मन धन से अर्पित हैं, और सौभाग्य है हमारा जो हम आपके सेवा में हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है पूरे गढ़ीवासियों के लिए। इसी के साथ मैं अपने महेंद्र भाई साहब जी का, बिरजू भाई साहब जी का और चाचा रामदेव जी का, अन्य साथियों का, धन सिंह, मनोज, विनोद प्रभु जी, जीत प्रभु, संजय प्रभु, सुनील प्रभु और अन्य प्रभुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्य में हमारे साथ हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब लोग अभी खड़े हो जाओ, अभी अभी बधाई कृष्ण का बधाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको बधाई दिए थी, हाँ भगवान की बधाई के साथ में नाच करके आज भगवान जन्म हुए ना, 33 करोड़ देवता भी आज नाच रहे हैं, ठाकुर की जन्मोत्सव, इसलिए और सारे भक्त हैं, कुछ तो भक्त बैठ से और कहाँ से, और एक आए हमारे गोविंदपुर से, हमारे जयपुर भैया, राधा दीदी, फरीदा दीदी फरीदाबाद से दीदी आई है, और कहाँ से, बजरपुर से आए, और कहाँ से, लक्ष्मी नगर, और कहाँ से आए, आली गांव से, और कहाँ से आए, बोलो अपना अपना गांव का नाम ले, और इष्टों कैलाश से, और कहाँ से आए, इसलिए जब कृष्ण जन्म हुई ब्रह्मा लोग से, सीज लोग से, हैं वैकुंठ लोग से, सबके सब भक्त लोग आए ना, इसलिए आप सबके सब जगह से आए, हाँ अब लोग सब खड़े हो जाओ, सबके सब नाचने का, ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला ओ हल्ला में हल्ला सो मच गए जायो यशोदा जी ने लल्ला ओ हल्ला में हल्ला जायो यशोदा जी ने लल्ला ओ हल्ला में हल्ला सो मच गए जायो यशोदा जी ने लल्ला ओ हल्ला में हल्ला सो मच गए अरे हल्ला I'm not the one who's got the power.
Oh,